अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो सर 90 डिग्री की रिपल्शन लग रही है, तो टेक्निकली काउंट नहीं होनी चाहिए। पर याद रखिए, कुछ केसेस में उन्हें काउंट किया जाएगा। ओके, सो मायसेल्फ मोहम्मद रजाजल एंड टुडे वी आर डूइंग अ टॉपिक फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग विच इज योर वेस्पर थियोरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियोरी। ओके, ये जो थियोरी है, जैसा कि इसका नेम स्टेट करता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, इस थियोरी में जितनी भी बॉन्डिंग हमारी दो एटम्स के बीच होती हैं उन्हें हम लोग अरेंज करते हैं इस बेसिस पर कि जो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच रिपल्शन कैसे ना कैसे करके मिनिमम होनी चाहिए। ओके, अब वो इसका ये मतलब है कि सपोज अगर आपके पास कोई एटम है और उसके अराउंड अ डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एटम क्या करता है, अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से अरेंज करता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो होने वाली बॉन्डिंग है, जो इन एटम्स के बीच हो रही है, उनके बीच रिपल्शन कम से कम होना चाहिए। ओके, सो फॉर दिस थियोरी वी हैव सम रूल्स। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द रूल्स पार्ट। ओके, नाउ रूल नंबर वन, ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स take part in bonding of atom. Number two, when atoms bond with the central atom, the central atom arranges all the side atoms in such a manner so that the repulsion existing between the molecules repulsion कैसे ना कैसे कर मिनिमम होनी चाहिए। ओके, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नाउ एक एटम में हमारे पास कई तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अब अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं तो उनके बीच लगने वाली रिपल्शंस में भी डिफरेंसेस होता है। सो सबसे पहले लोन पेयर लोल पेयर रिपल्शन इज ऑलवेज द ग्रेटेस्ट। अगर किसी एटम में लोन पेयर्स प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पर, तो सेंट्रल एटम में अगर जो लोन एक से ज़्यादा लोन पेयर प्रेजेंट हैं तो उनके बीच होने वाला रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में लगने वाला रिपल्शन, and least repulsion is felt by the bond pairs. Okay, now based on this angles can also be bonds at 90 degree or lesser than 90 degree or your acute angles suffer large repulsions. Okay, and the bonds at angle greater than 90 degree suffer less repulsion greater than 90 degree
suffer less repulsion. उनके बीच जो repulsion लगता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है. अब इसके कुछ examples करके देखते हैं. So let's suppose we have our total number of electron pairs. Total number of electron pairs means it will include your lone pairs and the bond pairs. The electrons that the central atom used for the formation of bond, and also the electrons that are left after the formation of the bond, in which we'll be considering our lone pairs, number of bond pairs, their geometry, shape, and some examples. Okay, and most important, their type. What the molecule will look like. So let's consider first, let's suppose we have an case number electron, three electron pairs. Okay, electron pair means total number of six electrons. So the molecule will have a type AB3 if it has zero lone pairs and total bond pairs equals to three. इसका मतलब central atom के पास कोई भी lone pair होना नहीं चाहिए और bond pair का number होना चाहिए तीन. तो उस केस में आपका मॉलिक्यूल नजर आएगा आपको ए बी थ्री टाइप. नाउ एज पर वेस्पर होना ये चाहिए कि मुझे ए के अराउंड तीन बी एटम्स को एडजस्ट करना है, वो भी इस तरह कि इनके बीच रिपल्शन सबसे कम लगे. अब करेंट सिनेरियो ये है कि हम लोग पहले कोशिश कर सकते हैं एटम्स को इस तरह से अरेंज करने की. इफ़ यू सी इन दो केसेस में एटम्स के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये वाले, इन तीनों बॉन्ड पेयर के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है. और एस पर वेस्पर अगर किसी भी बॉन्ड पेयर या लोन किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर में 90 डिग्री उससे कम का बॉन्ड एंगल बनता है तो उनके बीच जो रिपल्शंस लगती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं. तो इसे कम करने के लिए एटम क्या करता है, इन बॉन्ड्स पेयर को अरेंज करने की कोशिश करता है. और वैसे अरेंज किस तरह से करता है, वो क्या कर सेंट्रल एटम इन तीनों बॉन्ड्स को इस तरह से अरेंज करता है. इस तरह से क्या होता है, इन प्लेन ऑफ पेपर नाउ ईच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज टू वन अनदर एट 120 डिग्री एंगल. विच मीन्स एटम ने क्या किया, अपने बॉन्ड एंगल को इंक्रीज कर दिया उस रिपल्शन की वजह से, बिकॉज उन 90 डिग्री पर उनके बीच काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन थी. तो क्या किया, उस रिपल्शन ने नीचे की जो दो बॉन्ड्स थे, इन द प्रीवियस केस लाइक आई मेड A, B, B and B. इस B के इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन लगाकर इस और इस बॉन्ड को नीचे पुश किया, जिसकी वजह से जो ओवरऑल एंगल है वो 90 से बढ़कर 120 हो गया. तो तीन बॉन्ड्स को सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो तीनों एक दूसरे के अराउंड 120 डिग्री पर अरेंज हो. तो ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री का मतलब होता है वो बेसिक शेप जो एक मॉलिक्यूल के पास होता है. तो अगर आप गौर से देखेंगे, क्योंकि एक प्लेन ऑफ पेपर है और यहाँ पर मेरे पास तीन बॉन्ड पेयर और एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इस ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेनर. एंड रिमेंबर, जब भी आपके पास लोन पेयर का नंबर जीरो होता है, आपकी ज्योमेट्री हमेशा आपके शेप के इक्वल आती है. सो द शेप इज ऑल्सो ट्राइगोनल प्लेनर. और इसका एग्जांपल है आपके पास BH3, BF3, PF3, BF3 etc. ओके, नाउ लेट्स सपोज क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और बॉन्ड पेयर को दो कर देते हैं. और टाइप मॉलिक्यूल क्या बनेगा, इस बार AB2, क्योंकि लोन पेयर मॉलिक्यूल के अराउंड नहीं दिखा सकते. नाउ आई नीड टू अरेंज टू एटम्स अराउंड एटम ए. A, B, B. Now there is one lone pair. Now क्या है, Now the electrons pair are at 180 degree from each other, which means इनके बीच repulsion बहुत ज़्यादा कम है, repulsion काफ़ी ज़्यादा कम लग रही है. तो इस केस में क्या है, लेकिन यहाँ पर एक lone pair है और अभी हमने check किया कि lone pair के bond pair से ज़्यादा repulsion तो lone pair और bond pair के बीच लगता है.
तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस बॉन्ड को थोड़ा सा नीचे पुश करेगा, थोड़ा सा पुश करेगा, जिसकी वजह से क्या है, ये बॉन्ड लीनियर ना होकर थोड़ा सा बेंट फॉर्म में नजर आएगा, लाइक दिस, बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और ये क्योंकि, और याद रखिए, ज्योमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल के उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे डिपेंडेंट होती है, ओके? किसी मॉलिक्यूल का शेप बदल सकता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का नंबर चेंज होने से, लेकिन जब तक उनके इलेक्ट्रॉन पेयर चेंज नहीं हो रहे टोटल, तब तक उनकी ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। तो इस मॉलिक्यूल के लिए ज्योमेट्री सेम रहेगी, टी पी ट्राइगोनल प्लेनर, बट शेप एक बेंट है वी जैसा, सो इट्स शेप विल बी कॉल्ड अ बेंट और वी शेप, ओके? और इसका एग्जांपल हो सकता है हमारे पास, लेट्स सपोज पिच एटम, ओके, CH2, ओके, इफ इट हैज इट्स लोन पेयर ऑन इट। नाउ ओके, अगर इन केस दो लोन पेयर और जीरो बॉन्ड पेयर इशू, सॉरी, दो लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर इशू करना हो, तो याद रखिए, इस केस के लिए जब भी आपके पास मॉलिक्यूल टाइप ए भी आएगा, नो मैटर उसके पास कितने भी लोन पेयर आ रहे हैं, उनका शेप हमेशा लीनियर आएगा, शेप हमेशा लीनियर आएगा। ज्योमेट्री अगेन आपके इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है, तो उस हिसाब से वो लिख सकते हैं बार बार। नाउ अब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को चार कर देखते हैं, ओके? इलेक्ट्रॉन पेयर चार कर दिया, टाइप ए बी फोर, लोन पेयर जीरो कर दिए, बॉन्ड पेयर चार कर दिए। तो इसका मतलब क्या करना है, मुझे एक एटम कह रहा हूँ, चार एटम्स को अरेंज करना है, वो भी मिनिमम रिपल्शन के केस के लिए। सो मोस्ट ऑब्वियस केस आता है, अगर मैं सब चार एटम्स को 90 डिग्री के एंगल पर रख दूँ, इक्वल 90 90 90 90, मोस्ट इजीली, मतलब प्रॉब्लम इज 90 पर रिपल्शन तो काफ़ी ज़्यादा है, 90 पर रिपल्शन ज़्यादा है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल अपनी प्लेनर ज्योमेट्री को छोड़कर थ्री डायमेंशनल में जाने की कोशिश करता है। सो इस केस में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल अपने एटम्स को इस तरह से अरेंज करेगा थ्री डायमेंशन, जिसमें ये जो बोल्ड लाइन है, इसका मतलब है कि लेट्स सपोज ये जो सिंगल लाइन है ये प्लेन ऑफ पेपर में है, और ये जो बोल्ड लाइन मैंने बनाई है ये बोर्ड से बाहर की तरफ है, और ये जो डैश वाली लाइन है बॉर्ड के पीछे की तरफ है, विच मीन्स इट्स अ क्लॉ लाइक शेप, ओके? सो नाउ अगर इसे देखूं तो ये जो एंगल है वो अब 109 डिग्री 28 मिनट्स है, और ये सब तरफ इतना ही है। तो अगर आप देखेंगे, यहाँ एंगल 90 डिग्री से 109 डिग्री चला गया, विच मीन्स रिपल्शन अर लेसर। सो किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड चार एटम्स को अगर मैं अरेंज कर रहा हूँ, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, उन्हें इस तरह से अरेंज करूँ 109 डिग्री 28 मिनट पर। एंड रिमेंबर, दिस एंगल इज कॉल्ड एज योर टेट्राहेड्रल एंगल, टेट्राहेड्रल एंगल, क्योंकि ये जिस टेट्राहेड्रल एंगल, इसे इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री का नाम ही है टेट्राहेड्रल, ओके? एंड द शेप इज अगेन टेट्राहेड्रल बिकॉज लोन पेयर आर जीरो, एंड द प्राइम एग्जाम्पल इज CH4, प्राइम एग्जाम्पल इज CH4। और अगर आपको टेट्राहेड्रल शेप का मॉलिक्यूल, ओके, नाउ क्या करते हैं, अब मॉलिक्यूल को करते हैं टाइप AB3, एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस करते हैं और तीन बॉन्ड पेयर इंट्रोड्यूस करते हैं। ज्योमेट्री तो चेंज होगी नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर चेंज नहीं हुए। नाउ अब एक एटम के अराउंड तीन एटम्स लगाने हैं, ए बी बी बी। नाउ क्या है, गौर से देखिए कि ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल था आपका, ओके? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल था, मैंने क्या किया, एक बॉन्ड को हटाकर उस बॉन्ड की जगह एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर दिया, ओके? लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अगर आप इसे चेक करेंगे तो यहाँ पर ये जो तीन बी हैं ये अपने आप में एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और ये जो ए है ये प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर रखा है, तो ये कुछ पिरामिड जैसा शेप है। कैसा? पिरामिड जैसा। अब इस पिरामिड का बेस ये ट्रायंगल है, तो इस शेप का नाम है
ट्राइगोनल पिरामिडल. पिरामिडल इसलिए कि ट्राइगोनल इसलिए क्योंकि ये ट्राइंगल के बेस पर बना है. ट्राइगोनल पिरामिडल. और इसका प्राइम एग्जांपल है आपके पास NH3 मॉलिक्यूल. नाउ अब इसे रिमूव करते हैं. अब क्या करते हैं, इसकी जगह दो लोन पेयर इंट्रोड्यूस करते हैं, दो बॉन्ड पेयर करते हैं. ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल लेने वाली है. अब सेंट्रल एटम के अराउंड चार इंट्रोड्यूस करने हैं. एंड रिमेंबर, टेट्राहेड्रल एंगल या जितने भी आपके पास बॉन्ड हैं उनमें जो एंगल आपका चेंज होगा वो तब होगा जब आपके पास लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि लोन पेयर के इंट्रोडक्शन की वजह से जो आपकी रिपल्शन है वो बढ़ जाएंगी, तो एंगल में डेविएशन देखने के लिए मिलेगा. सो फॉर सेंट्रल एटम ए बी बी, नाउ इट हैज टू लोन पेयर्स. अगेन रिपल्शंस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल था लाइक दिस. अब मैंने क्या किया, इस पोजीशन पर एक लोन पेयर लगाया और इस पोजीशन पर एक लोन पेयर और लगाया. सो इट्स क्या हुआ, ये जो एंगल इनके बीच था 109 डिग्री का, इस लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से क्या है, ये बॉन्ड्स थोड़ी सी नीचे पुश हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो एंगल मुझे 109 डिग्री का दिखना चाहिए था इसकी वैल्यू घटकर 108 डिग्री हो जाती है, बिकॉज इनके बीच लगने वाली रिपल्शन इस बॉन्ड को ज़्यादा पुश करती है, जो कि टेट्राहेड्रल एंगल से इस एंगल को डेविएट करा देती है. ओके, अब ये कैसा है, अगेन बी और वेंट शेप है. लोन पेयर्स को शेप्स में कंसिडर नहीं करते. ओके, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी टेट्राहेड्रल, शेप विल बी योर बेंट और वी. एंड योर एग्जाम्पल इज H2O. क्लियर? ओके, नाउ इंट्रोड्यूसिंग 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ओके, टाइप ए बी 5 लोन पेयर, 0 लोन पेयर्स, 5 बॉन्ड पेयर्स. सो एक एटम के अराउंड 5 एटम्स को अरेंज करना है. सो हियर इट इज ए बी 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 बी. इफ आई ट्राई टू अरेंज ऑल ऑफ दीज इन 5 atoms in the plane of paper, the angle that comes out to be your acute angle, which means very high repulsion. So, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा compromise in atoms को arrange कराने के लिए. So, क्या होता है कि आपका जो central atom A होता है वो आपके बाकी 3 atoms को क्या करता है, एक plane में introduce कराता है जहाँ पर इनके बीच का एंगल 120 रहता है ताकि रिपल्शन मिनिमम हो जाए. और एक बॉन्ड को वो लेता है प्लेन ऑफ पेपर के बाहर और एक को प्लेन ऑफ पेपर के नीचे. अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो सर 90 डिग्री की रिपल्शन लग रही है तो टेक्निकली ये काउंट नहीं होनी चाहिए. पर याद रखिए कुछ केसेस में उन्हें काउंट किया जाएगा, पर इस 90 डिग्री रिपल्शन को कम करने के लिए ये जो ज्योमेट्री आप देख रहे हैं इसमें ये जो बॉन्ड्स हैं जो कि आपकी आउटसाइड और इनसाइड प्लेन है इन्हें बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स. ये लेंथ में लंबी हो जाती हैं कंपेयर, दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज योर इक्विटोरियल बॉन्ड्स जो कि प्लेन में. तो कंपेयर टू योर इक्विटोरियल बॉन्ड्स योर एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, विच मीन्स इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी जो 90 डिग्री की रिपल्शन है वो कम हो जाती है. ओके, अब इस शेप को अगर मैं देखूं तो ये कुछ ऐसी है, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे. सो यहां पर ये ट्राइंगुलर बेस है और ऊपर एक पिरामिड दिख रहा है ट्राइगोनल, और एक सेम ट्राइगोनल पिरामिड मुझे नीचे दिख रहा है, तो मुझे यहां पर दो पिरामिड दिख रहे हैं. तो इस ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जिसे हम शॉर्ट में TBPP बुलाते हैं.
lone pair 0, so geometry equals to shape, PBP, and your example for this is PCl5. अब क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को टाइप AB4 में इंट्रोड्यूस करते हैं, एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस करते हैं और बॉन्ड पेयर को 4 कर देते हैं। ज्योमेट्री तो चेंज होने वाली नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर सेम चल रहे हैं। सो क्या करते हैं, पुरानी ज्योमेट्री हमने क्या ली हुई थी कुछ इस तरह की, ये मॉलिक्यूल, ये आपका प्लेन था, एक बॉन्ड अबव एक बॉन्ड बिलो, और ये आपका ट्राइगोनल प्लेन था। अब क्या है कि हमें एक लोन पेयर को इंट्रोड्यूस करना है। अब लोन पेयर को इंट्रोड्यूस मैं दो जगह कर सकता हूँ, एक इस एक्सियल बॉन्ड पर बॉन्ड हटाकर, या फिर मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ उसे ट्राइगोनल प्लेन में। मैं उसे एक्सियल बॉन्ड पर इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर लोन पेयर की 90 डिग्री पर रिपल्शन आएगी जो कि बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस चौथ लोन पेयर को प्लेन में इंट्रोड्यूस करके एक बॉन्ड को आगे इंट्रोड्यूस कर देंगे यहाँ पर एक्सियल में। इससे होगा क्या कि जो लोन पेयर के बीच का रिपल्शन है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन है, वो 180 डिग्री पर चला गया, तो एंगल्स रिड्यूस हो गए। तो इस चीज़ से क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो जो शेप आया वो कुछ इस तरह का आया, जिसमें ये बोर्ड लाइन का मतलब ये ब्लैक बोर्ड के बाहर है और ये डैश लाइन का मतलब है ये बॉन्ड ब्लैक बोर्ड के पीछे की तरफ है। तो ये जो शेप है वो कुछ सीसॉ जैसा है ऊपर नीचे, ओके। सो इस शेप का नाम है सीसॉ, और जिस मॉलिक्यूल में ये दिखाई देती है इंक्लूडिंग वर्ड लोन पेयर, ओके, वो है आपका SF4, क्लियर। अब क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को टाइप करते हैं AB3, लोन पेयर 2 इंट्रोड्यूस कर दिए। अब क्या करेंगे, एक और बॉन्ड को हटाकर लोन पेयर को इंट्रोड्यूस करेंगे कहाँ पर, ट्राइगोनल प्लेन में, क्योंकि सबसे कम रिपल्शन तो वहीं लगेगी ना लोन पेयर के बीच, 120 डिग्री एंगल पर, बाकी सब जगह 90 पर है। सो अब क्या करेंगे, अगर आप इसे रोटेट करेंगे तो आप गौर से देखेंगे कि यहाँ पर दो लोन पेयर हैं, यहाँ पर अब दो लोन पेयर हैं। जो शेप है अगर मैं इसे रोटेट करूँ तो ये कुछ आपको टी जैसा नज़र आएगा, ओके, ये आपको टी शेप जैसा नज़र आएगा। सो अगेन ज्योमेट्री रहेगी TBP, शेप आएगा टी शेप, और जिस मॉलिक्यूल के लिए दिखता है मुझे वो है आपका P not fit 1 2 3 7, इट इज शुड बी आर CLF3, द मॉलिक्यूल वुड बी आर CLF3, क्लियर। Now, this was about your TBP geometry. अब हमारे टॉपिक की लास्ट ज्योमेट्री रह गई हमारी कवर करनी, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और उस ज्योमेट्री का नाम है ऑक्टाहेड्रल। ओके, एंड लास्ट है हमारा टाइप AB6, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 6, ज्योमेट्री का नाम ऑक्टाहेड्रल, शेप अगेन ऑक्टाहेड्रल को शॉर्ट में OH लिखते हैं, और मॉलिक्यूल का एग्जांपल में लिख रहा हूँ पहले ही SF6। सो नाउ लेट्स मेक इट, एक बॉन्ड के अराउंड 6 आइटम्स अरेंज करने हैं, प्लेन में कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर उनके बीच जो एंगल आएंगे वो आएंगे 30 डिग्री। तो रिपल्शन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, TBP ज्योमेट्री जैसा कुछ लुक देते हैं। तो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है तो इस पर प्लेन क्या बनेगा, एक स्क्वायर प्लेन बनेगा, एक बॉन्ड अबव प्लेन एक बॉन्ड बिलो प्लेन। तो अगर आप शेप कुछ देखेंगे, इस स्क्वायर प्लेन के ऊपर एक पिरामिड बन रहा है और ऐसा ही एक पिरामिड नीचे बन रहा है, ओके। इस शेप को हम लोग स्क्वायर बाय पिरामिडल नहीं बोलते, इसका एक स्पेसिफिक नाम है जो कि है ऑक्टाहेड्रल, ओके। नाउ सेम केस, यहाँ पर जो बॉन्ड में एंगल्स हैं सब में 90 डिग्री हैं, 90 जो प्लेन में है, और जो ऊपर है वो भी 90 पर है, और अगेन रिपल्शन कम करने के लिए उन बॉन्ड्स की लेंथ, एक्सियल बॉन्ड की लेंथ आपकी इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज़्यादा आएगी। नाउ अगर मैं क्या करता हूँ, अब एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर दूँ, बॉन्ड पेयर को 5 कर दूँ, मॉलिक्यूल को टाइप AB5 कर दूँ, ज्योमेट्री तो चेंज होगी नहीं। सो क्या है, अब एक बॉन्ड को हटाकर लोन पेयर इंट्रोड्यूस करना है,
सो अब कहीं भी रख लो एंगल सब जगह 90 है, तो लेट सपोज मैं लोन पेयर को नीचे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, तो इसका मतलब नीचे का पूरा ट्राइंगल गायब हो गया, तो शेप क्या बची, एक स्क्वायर पिरामिड। सो इस शेप का नाम आएगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, इसका एग्जांपल है आपका CLF5। ओके, और एक टाइप और, अब क्या करते हैं, टाइप किया इसको AB4, लोन पेयर कर दिए 2, बॉन्ड पेयर कर दिए 4। सो क्या करेंगे, जिस एक्सियल बॉन्ड पे हमने ऊपर से हटाया था इस बार, फिर नीचे से हटाया था, ऊपर से हटाएंगे, तो अब लोन पेयर की जगह कहाँ आई, ऊपर। इस बार क्या होगा, ऊपर का पिरामिड खत्म हो गया, तो अब क्या बचा, एक स्क्वायर प्लेन। तो इस ज्योमेट्री का नाम क्या आता है, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल, बट शेप आती है आपकी स्क्वायर प्लेनर, और ये आपके लिए देखने के लिए मिलती है XCF4 मॉलिक्यूल के लिए। सो आज के लिए हमारा टॉपिक विस्पर थ्योरी यहीं ख़त्म होता है। आज हमने सीखी ज्योमेट्रीज, ये समझने के लिए कि जो सेंट्रल एटम है वो अपने आस पास साइड एटम्स को कितनी तरह से अरेंज कर सकता है, और इसका प्राइमरी कॉज क्या है कि मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच रिपल्शन कम करनी है। विस्पर थ्योरी का यही एक मेन प्रिंसिपल और कोर है जिस पर ये पूरी थ्योरी वर्क करती है। ओके,